कोरबा जिले के एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के श्रमिक चौक में सोमवार की सुबह श्रमिक संगठन एटक और सीटू के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर 9 अगस्त से 14 अगस्त तक भारत सरकार के खिलाफ विरोध सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार आंदोलन एवं प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार 12 अगस्त को एसईसीएल गेवरा क्षेत्र में एटक एवं सीटू के संयुक्त तत्वावधान में विरोध दिवस के तहत विशाल धरना प्रदर्शन कर मांग की गई कि लगातार भारत सरकार के निजीकरण की ओर बढ़ रहे कदम को रोका जाए और श्रमिक हाट में जो कामगार निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं उन्हें समान वेतनमान और समान सुविधा उपलब्ध कराई जाए। को लेकर आज जो आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व से ये निर्णय लिया गया है कि संयुक्त श्रमिक संगठन के तरह कोल इंडिया का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको तत्काल रोक लगाया जाए और खदान के अंदर में जो हमारे साथ में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए और उनको हमारे बराबर वेतन और सुविधा दिया जाए। और जो MDO मोड की फाइन चल रही है उन फाइनों में जो दुर्घटना हो रहा है उसको तत्काल रोक लगाया जाए। इसी के जन जागरण के तहत आज हम लोगों ने गेवरा क्षेत्र में ये सुंदर धरना प्रदर्शन किया। आज के हमारे विशाल विरोध दिवस का मकसद ये है, संयुक्त मोर्चा ने यह निर्णय लिया है, वर्तमान समय में भारत सरकार के केंद्र सरकार के जो मजदूर विरोधी नीति है, जनता विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है जिसके खिलाफ में हम लोग अगस्त अभियान चला रहे हैं। जैसे कोयला उद्योग में MDO मॉडल ला करके कोयला उद्योग को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने का सीधा सीधा ये निजीकरण का एक षड्यंत्र है। शेयरिंग मॉडल उसी का एक अंश है। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कोयला मजदूरों के लिए एक जबरदस्त धोखा है। इसी तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, श्रम कानून में संशोधन की बात है, जो काफी संघर्ष और बलिदान के बाद जो हमें श्रम कानून अधिनियम मिला हुआ था उसको ये सरकार बदल कर यहाँ तक हड़ताल के हक को भी छीनना चाहता है। इसलिए हम लोग आज मैदान में आए हैं, अगस्त अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन अपने हिंदुस्तान के सभी खदान के मुहाड़ों में चला रहे हैं। हम लोगों का यह कोई हड़ताल नहीं है, जन जागरूकता अभियान है। मजदूरों को समझाना है, चाहे वो ठेका श्रमिक हो चाहे वो स्थायी मजदूर हो, सभी को हमको समझाना है, सरकार के नीतियों को लेकर जन जन तक जाना है, आखिरी व्यक्ति तक हमें उनके नीतियों को पहुंचाना है। उसके बाद में हम एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से सरकार का विरोध करेंगे।